सोनभद्र में एक यूपी पुलिस फायर सर्विस के सिपाही को दबंगों से उलझना बहुत भारी पड़ गया। दबंगों ने सिपाही को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल सिपाही जिला अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। इसी दौरान दबंग सिपाही को पीटकर मौके से फरार हो गए। सोनभद्र में रॉबर्टर्सगंज कोतवाली के उर्मोरा क्षेत्र में दबंगों ने फायर सर्विस के सिपाही को पीटकर अधमरा कर दिया। सिपाही महेंद्र का दोष सिर्फ इतना था कि उसने दबंगों को एक लड़के को पीटने से रोका। इससे नाराज होकर दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई की। इससे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंग युवकों द्वारा फायर सर्विस के सिपाही के पीटे जाने के मामले में एसपी सलमान ताज पाटिल का कहना है कि तीन युवक एक लड़के को मार रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे फायर सिपाही ने उसे बचाने लगा, तभी तीनों युवक सिपाही को पीटकर घायल कर दिया गया। सिपाही भर्ती है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। दो युवक गिरफ्तार है, एक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच करना शुरू करती है। घटना के बाद तत्काल सिपाही को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी स्थिति फिलहाल ठीक है। क्या मतलब क्या घटना हुई थी? घटना यह है कि एक लड़का को जो झंझट किए थे उससे तीन लड़के आए, एक लड़का तो उसके बाद जो है उसको हम छुड़ाने गए, उसके बाद वो हट गया, उसके तत्पश्चात हम पर वार कर दिए। असलाह वगैरह लिए थे? नहीं, वो बांस का वो लिए थे, डंडा फराठा टाइप का था। अच्छा, कौन लोग के पता नहीं चला ना? नहीं, उन लोगों को हम जानते नहीं है। तो क्या भाग गए थे? हाँ, हट गए थे। पुलिस आई थी? उस तो नहीं आई थी। एप्लीकेशन वगैरह दिया गया? पुलिस वुलिस जाँच कर रही है क्या? पुलिस वुलिस आई थी आपको देखने? हाँ, आई थी। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर अब तत्काल हम हॉस्पिटल चले आए हैं, रूम लेके चले आए हमें 2 मिनट में, 4-5 मिनट गए। एक सिपाही आया हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या आगे चोट है? वो उसके साथ जो लोग आए थे वो बताए हैं कि कुछ लोगों ने मारा है। कैसे लगा है तो पुलिस जांच करेगी, पता करेगी। हमें जैसा बताए हैं वो लोग कि कुछ लोगों ने मारा है। क्या चोट, कैसे चोट आई, कहाँ कहाँ चोट? हाथ में है, सर में है और आँख के ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, हालत तो भी ठीक है। उसके साथ मार पीट हुई, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये उर्मोरा थाना रॉबर्टगंज के अंतर्गत की घटना है। इसमें दो व्यक्ति राधेश्याम यादव और विकास पासवान एक वहाँ आदमी की पिटाई कर रहे थे। वहाँ से फायर ब्रिगेड का एक सिपाही फायरमैन महेंद्र प्रसाद ये वहाँ से गुजर रहा था, वो प्राइवेट अपने कपड़ों में था। तो जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, जो पिट रहा था उसको वहाँ से बचाने की कोशिश की, तो ये राधेश्याम यादव, विकास पासवान और इनके साथी एक सोनू केसरी, तीनों ने मिलकर उसको भी पीटना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा उसको चोट आई है, अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट करके उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। इस घटना के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तुरंत इसने एफआईआर दर्ज कर 2 मुलजिम सोनू केसरी और राधेश्याम यादव को अरेस्ट किया गया है और एक मुलजिम विकास पासवान की तलाश की जा रही है।